नमस्कार अशोक आत्रे जी, आपका अभिनंदन है इस मंच पर। जन सरोकार मंच के इस पटल पर लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में एक विशेष श्रृंखला है आज के सवाल। उसमें हम राज्य से और राज्य के बाहर से विशेष मनीषियों को, विद्वानों को अपने इस मंच पर लाने की कोशिश करते हैं और जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे जन सरोकार जुड़ा हुआ है उन पर उनके विचार साझा करने और अपने दर्शकों तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज का सवाल हमारे बीच ये है कि अभी देश में बड़ी उथल पुथल हो रही है, पक्ष और विपक्ष। कभी लगता है विपक्ष बिखरा हुआ है, कभी लगता है विपक्ष एक हो गया है, ये सब चल रहा है जी। और ऐसे चल रहा है जैसे बाजीगर का तमाशा अभी यहाँ हो रहा है इस मोहल्ले में, फिर किसी और मोहल्ले में हो रहा है, फिर किसी और मोहल्ले में हो रहा है। लेकिन इसकी अर्थवत्ता की पड़ताल भी जरूरी है। अभी नया नया सामने ही आया कि एक पक्ष ने कहा कि ये भारत, जिसे हम अपना देश कहते हैं, भारत है, वही कुछ संगठनों ने मिलकर, कुछ राजनीतिक दलों ने मिलकर एक अपने संगठन का नाम दिया इंडिया। उस पर संवैधानिक रूप से या दूसरे आरोप प्रत्यारोपों की बात शुरू हो गई, बौछार हो गई। लेकिन ये कितना मीनिंगफुल है और कितना आवश्यक है या अनावश्यक है, सार गर्भिता क्या है इसकी, मैं अशोक भाई से आज रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो इस पर अपना, जैसे कहना चाहिए, विश्लेषण, एनालिसिस, इसका जिस्ट क्या है वो अपने श्रोताओं के साथ हम लोग सहर्ष साझा करना चाहते हैं। भाई अशोक आत्रे, नमस्कार मित्रों, अशोक सक्सेना और जन सरोकार से जुड़े सभी मित्रों को नमस्कार। नमस्कार। ये विषय जो आप अभी सामने रख रहे हैं और जिस पर चर्चा होनी, अभी चर्चा होनी है जिस पर, ये बहुत ज्वलंत विषय है और बहुत समसामयिक है, किंतु उसके साथ ही ये हमारी परंपरा से और हमारी प्राचीन सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है। जब हम भारत की बात करते हैं और भारत के साथ इंडिया की बात करते हैं और इंडिया और भारत को या तो अलग अलग करके देखते हैं या इनको किसी न किसी रूप में जोड़ करके इनके एक रूपता पर चर्चा करते हैं, तो सवाल उठते हैं क्या भारत इंडिया है या इंडिया क्या भारत है, भारत अलग है इंडिया अलग है, इन दोनों के संबंध क्या हैं और इन संबंधों की गहराई और इन संबंधों की वास्तविकता क्या है, इसकी पड़ताल कैसे की जा सकती है। तो वैसे तो इस बहुत मुद्दा बहुत बहुत चर्चित मुद्दा है और जब से भारत का संविधान बना, यानी आजादी जब हमें मिली उसके साथ साथ संविधान पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई थी, उसके पहले भी चर्चा होनी शुरू हो गई थी, संविधान कैसे बनाया जाएगा और किस तरह के मूल्यों को, जीवन मूल्यों को, राजनीतिक चिंतन को, आस्थाओं को, कानून कायदों को और परंपराओं को जोड़ जोड़ करके किस तरह से हम भावी राष्ट्र की, जो आजाद देश है उसकी हम क्या परिकल्पना करेंगे, आधार पर संविधान का गठन होना जरूरी था और उसी आधार पर आजादी के साथ भारतीय संविधान की रचना भी हुई और उस संविधान बना लिया। और उस संविधान के जो सबसे पहली और जो सबसे महत्वपूर्ण पहली पंक्ति थी जिसके आधार पर संविधान को, की प्रारूप को डिस्कस किया गया, उसका मूल जो कहना चाहिए कि विचार था और जहां से वो बात शुरू होती थी, उस जो था वो था इंडिया, दैट इज भारत। क्योंकि हम ब्रिटिश सिस्टम से, कॉलोनियल सिस्टम से हम मुक्त हो रहे थे, आजाद हो रहे थे। उस समय ब्रिटिश जो हमारी सरकार थी, विदेशी सरकार की हुकूमत थी और उस हुकूमत से, उस आजादी की लड़ाई के बाद हमने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया
और स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो जब स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और उसके संविधान की जब बात शुरू हुई, तो संविधान का जो प्रारूप बनाया, जो प्रारंभिक जो विचार बना, उसकी जो आधारशिला बनी वो बनी इंडिया, दैट इज भारत। इट वॉज इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, इट वॉज इंडिया, बट इट वॉज भारत इनिशियली, इट इज भारत, इट वॉज भारत। तो जब पावर का, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, जब हमने डेमोक्रेसी को एक वैल्यूस्टिक न्यू स्टेट के रूप में स्वीकार किया, एक सार्वभौमिक सत्ता और एक राष्ट्र के रूप में जब हमने अपना निर्माण किया, तो हम भारत के रूप में जाने जाते थे और भारत के रूप में हमारी पहचान थी। किंतु जब संविधान बना, उसके पहले हम इंडिया के रूप में जाने, वी वर ए कॉलोनियल स्टेट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इट वॉज ए कॉलोनी ऑफ इंडिया, इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थी। किंतु स्वतंत्रता के बाद इंडिया दैट इज भारत हो गया, और संविधान में इस विशेष विचार को सबसे प्रथम पंक्ति में इंडिया दैट इज भारत कहा गया। और वो आज तक, जब तक कि संविधान, हम बदलाव संविधान में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आए हैं, बदलाव नहीं आया है, तब भी हम ये आज तक ही मानते हैं कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत, ये स्थायी रूप से हमारा ये एक मोनोग्राम है, या हमारा एक तरह से सदाचार, या हमारी एक पंक्ति है जिसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है, सोचना है, जिसकी परंपरा है, जिसका वर्तमान है, जिसका भविष्य है। तो देखना ये है कि इंडिया दैट इज भारत का कंसेप्ट क्या है। अब स्थिति ये है कि इस इंडिया को हम, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इंडिया भी उतना ही वैलिड है जितना भारत है। किंतु भारत की संस्कृति जितनी प्राचीन है, भारत की सभ्यता जितनी प्राचीन है, भारत भूमि का जितना प्राचीन महत्व है, उतना महत्व इंडिया का नहीं है, कि इंडिया इज ए कॉलोनी, इंडिया वाज ए कॉलोनी। तो अब ऐसी स्थिति में ये देखा जाना जरूरी है कि भारत, जिसे हम एक राष्ट्र के रूप में जानते रहे हैं, और पहले वो हिंदुस्तान भी रहा, भारत भी रहा, भारत का अग्नि अग्नि पूजकों की का भी ये देश रहा, और बहुत तरह तरह के इसके आर्यावर्त भी इसका नाम था, तो अलग विभिन्न नामों से भारत में उसको जाना जाता था, और इसका संबंध हिंदुस्तान से भी, हिंदू संस्कृति से भी था, आर्य संस्कृति भी से भी था। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब इंडिया को लागू किया गया, तो वो धीरे धीरे वो सारे मूल्य, या हमारी राजनीतिक विचारधाराएं, या व्यवस्थाएं, या सारी जो सामाजिक मर्यादाएं थी, या धर्म कर्म की जो रीति नीति थी, उनमें सब में परिवर्तन आया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी तरीके से हमारे ऊपर एक नया कानून लागू किया, और उस कानून के भरोसे हम कई सालों तक ब्रिटिश सरकार की गुलामी में रहे। किंतु जब हमारा नया संविधान बना, तो नया कानून बना, नई कानून की धाराएं बनी, और नए राष्ट्र के लिए नई संकल्पनाओं के आधार पर विकास का एक ऐसा, हमें एक ऐसी संरचना तैयार करनी पड़ी जिसके आधार पर हमें अपने भूत भविष्य वर्तमान की कल्पना करनी थी, और उसके आधार पर हमने अब तक की आजादी में, जो 70 साल की आजादी है, उसमें एक डेमोक्रेटिक मूल्य के आधार पर हमने अपना विकास किया, और उसी आधार पर हमारी योजनाएं, हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे तमाम प्रकार के कार्यक्रम, विकास के जो कार्यक्रम थे, उससे जुड़े। तो कहना ही चाहिए कि आज तक जो जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है, वो इंडिया के नाम से भी हो रहा है और भारत के नाम से भी। किंतु मूल रूप से हम चूंकि भारतीय हैं, और हमारी पहचान भारतीय होने में ही है, अब कम से कम इंडियन होने में, इसलिए नहीं क्योंकि हम आजाद भारत हैं, और हम इंडियन तो हैं, हम ये नहीं कहते कि इंडियन नहीं है, हम हिंदुस्तानी भी हैं, हम इंडियन भी हैं, हम भारतीय, और इस लेवल पर, इस स्तर पर हम सोच सकते हैं कि हमारा जो एक समावेशी हमारा चरित्र है, और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, विभिन्न प्रकार के समाज, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं, उन सबसे बिल्कुल मिलजुल करके हमारा संविधान निर्मित हुआ है, और हमने भारत को एक ऐसे समग्र चिंतन के, एक इंटीग्रेटेड कंट्री के रूप में देखा है, जिसमें सभी प्रकार के परंपरागत, आधुनिक और अत्याधुनिक जीवन मूल्यों के साथ में हमने अपने विकास की कुछ रूपरेखाएं तय की हैं। तो आज तक की जो स्थिति है, वर्तमान में जो आज तक की जो स्थिति है, उसमें हम भारत को इंडिया भी कहें, तो
इसमें अभी तक फिलहाल कोई बुराई नहीं, क्योंकि संविधान में इंडिया दैट इज भारत हमें कहा जाता है, और हम आज भी इंडिया भी हैं और भारत। अब प्रश्न ये उठता है कि हाल ही में पिछले कुछ वर्षों से, जैसे ये मानते हैं कि शुरुआत में जब आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस की सत्ता आई, और कांग्रेस की सत्ता के बाद में कुछ दूसरी क्षेत्रीय सत्ताएं भी आई, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की सरकारें बनी, अलग अलग विचारों के अलग अलग लोगों के क्षेत्र के लोग राजनीति में आए, और देश में एक ऐसा ढांचा बना, एक ऐसा स्वरूप प्रजातंत्र का बना जिसमें सभी प्रकार के राष्ट्र के जो तत्व थे, सभी जातियां, सभी धर्म, सभी संप्रदायों के लोगों को अपने अपने तरीके से विकास करने का एक आधारभूत ढांचा मिल गया, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था थी और उसका जो विकास हुआ वो इस रूप में हुआ। अब स्थिति ये बनी है कि फिलहाल पिछले 5-10 वर्षों से जब सरकार में परिवर्तन हुआ और आज जब भाजपा सरकार हमारे सामने आई है, तो निश्चित रूप से भाजपा भी अपने कुछ नए मूल्यों के साथ में, आज की जो सरकार भी अपनी कुछ नए नीतियों के साथ में, कुछ नए मूल्यों के साथ में, भाजपा अपने कुछ उद्देश्यों की, अपनी राजनीतिक जो अवधारणाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए अपने प्रशासनिक, अपने राजनीतिक, अपने कल्चरल, अपने शैक्षणिक, अपने आर्थिक विकास के कुछ विचार के कुछ विशेष स्वरूपों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और इस स्तर पर आज ये स्थिति बन रही है कि हम लोग अब धीरे धीरे अपना जो भारतवर्षीय जो चरित्र है या भारतीय चरित्र है उस पर हम विशेष जोर देने की सोच रहे हैं, और पिछले कुछ वर्षों में ऐसा लग रहा है कि हम किसी खास प्रकार की अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं राजनीतिक रूप, किंतु यही एक ऐसा बिंदु है जहां कन्फ्लिक्ट या संघर्ष या टकराव पैदा हो रहा है, क्योंकि जो शुद्ध रूप से डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास करते हैं और राष्ट्रीय चिंतन की परंपरागत जो स्वरूप से जुड़े हुए हैं वो सब ये चाहते हैं कि जो इसकी जो परंपरा बनी हुई है संविधान की उसको बरकरार रखा जाए, किंतु जो नई सरकार है वो कुछ नए जीवन मूल्यों के साथ में, विशेष रूप से भारतीय जीवन मूल्यों के साथ में कुछ आगे विकास की बात सोच रही है। इसलिए इंडिया और भारत ये दो एक होते हुए भी दोनों राष्ट्र संवैधानिक रूप से एक हैं, किंतु भारत की एक अलग तरह की कल्पना वर्तमान सरकार के सामने है, और मेरे ख्याल में ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे जीवन मूल्य हैं जो कि वर्तमान सरकार को स्वीकार नहीं है, और इस लिहाज से कुछ विशेष रूप से वर्तमान सरकार में, आज की आधुनिक सरकार में, और जो दूसरी सरकारें हैं यानी क्षेत्रीय सरकारें हैं या दूसरी पार्टियां हैं, इनमें किसी न किसी रूप में हम कंफ्लिक्ट या विरोधाभास या संघर्ष देख रहे हैं। हाल ही में कुछ पार्टियों ने, कम से कम अभी कुछ दिन पहले ही 26 पार्टियों ने मिलकर के इंडिया नाम से एक नई पार्टी का गठन किया है, और उसको वो इंडिया तो नहीं कहते, उनको I.N.D.I+A इंडिया इस तरह कहते हैं, यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक नहीं है, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। तो ये जो अलायंस है जिसमें एक तरह ये डेवलपमेंटल अलायंस है, तो इन्होंने इसको डॉट डॉट करके आई के बीच डॉट लगाया, फिर एन के बीच डॉट लगाया, फिर डी के बीच डॉट लगाया, फिर इस तरह से आई ए करके सेपरेशन करके, किंतु बोला इंडिया जाता है। तो ये एक विवाद का विषय बन गया है, क्योंकि संवैधानिक आधार पर जो संविधान की मान्यता है, भारतीय संविधान है, तो उसमें किसी भी नेशनल सिंबल को या किसी भी प्रतीक को या किसी भी मॉडल को या किसी भी यानी कहना चाहिए संकेत को हम डायरेक्टली राजनीतिक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान में ये बात स्पष्ट रखी है, यानी भारत को हम भारतीय पार्टी बना सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी बना सकते हैं, भारत के साथ आप कुछ लगा लीजिए तो चल जाएगा, किंतु भारत हम यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से इंडिया नाम भी हम डायरेक्टली संविधान का जो हमारा स्वरूप है या जो चिंतन है या कानून है, उस आधार पर इंडिया नाम को किसी भी रूप में पार्टी पॉलिटिक्स में या किसी वस्तु के उत्पादन में या किसी कॉमर्शियल चीज में या किसी शिक्षा या संस्कृति के रूप में, इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिया या भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा संविधान में हमारे कानून में ये बात स्पष्ट कही गई है, और इसी आधार को लेकर के कुछ लोगों ने इस शब्द पर, जो इंडिया शब्द इन्होंने यूज किया है नई पार्टियों ने मिलकर के 26 पार्टियों ने, इसका विरोध किया है, और चुनाव आयोग के सामने और
इसके सामने उन्होंने इसका विरोध भी व्यक्त किया है और इसकी शिकायत भी की है, बल्कि इसके खिलाफ याचिका भी दायर की है। और अभी एक बहस का मुद्दा बन गया है कि क्या इंडिया नाम जो नई पार्टी का जो 26 पार्टियों का गठन है, जिसमें 26 पार्टियां शामिल है, क्या ये इंडिया नाम इनका उपयोग में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो अभी ये फिलहाल एक मुद्दा उठा है, नया मुद्दा उठा है, और इसका इसकी कानून की जो स्थितियां हैं उन पर विचार होना बाकी है, और संभवतः बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा, क्योंकि बहुत ज्वलंत ज्वलंत मुद्दे हैं। इसका कारण ये है कि इंडिया को किसी भी प्रकार के यानी हार जीत से जोड़ना, जब इलेक्शन होगा तो इंडिया जीतेगी या इंडिया हारेगी, तो इंडिया शब्द का इस रूप में यदि उल्लेख होगा या कोई बुरी या अच्छी घटना होगी तो उसके साथ इंडिया शब्द जुड़ जाएगा। तो ये एक चर्चा का मुद्दा बना है कि क्या इंडिया शब्द को एक पार्टी के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये निश्चित रूप से एक विवाद का विषय है। भारत को भी हम इस तरह यूज नहीं कर सकते। यदि जनता पार्टी या भाजपा यदि भारत को भी यूज करना चाहे पार्टी के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस इज देयर, इंडियन कांग्रेस नाम हो सकता है, वो इंडिया नहीं हो सकता। ऐसा एक विवाद का मुद्दा है, और इस आधार पर ये विवाद सामने नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि चूंकि इलेक्शन बहुत जल्दी आने वाले लोकसभा के, तो ये मुद्दा किसी न किसी रूप में उठेगा और उठने लगा है, और अब ये एक तरह से विवाद के साथ साथ में एक स्ट्रेटेजी बन गया। ये एक तरह का एक कानून की लड़ाई का एक नया मुद्दा भी बन गया। आर वी इंडियंस, और क्या हम भारत है भारतीय है या क्या हम इंडियंस। तो ये बहुत अपने आप में ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई कि इंडिया अब पर्यायवाची लगता है, भारत का पर्यायवाची, अब इंडिया जो है वो कंट्री नहीं लगता है, इंडिया ऐसा लगता है इंडिया जैसे भारत का पर्यायवाची, या जो इंडिया को जो लोग मानते होंगे तो भारत तो जो है ठीक है, ठीक भारत का, भारत का नाम है किंतु भारत ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो गुड राइट, वी विल बी कीपिंग इंडिया। तो एक तरह से जातीय संकट के साथ साथ ये लैंग्वेज का भी एक इशू बन गया है, और ये संवैधानिक इशू भी बन गया है कि इंडिया या भारत दोनों में। तो एक ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जैसे कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, अब लोग कह रहे हैं भारत दैट वाज इंडिया, अब स्थिति ये भी बन रही है, आर वी इंडियंस, और यदि हम भारत हैं तो भारत दैट वाज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत नहीं है, भारत दैट वाज इंडिया। तो ये एक मुद्दा बन गया है, और इस मुद्दे को लेकर के बहुत रोचक रोमांचक और बहुत ही नई तरह की, हमें लगता है कि रोचक लड़ाई और रोचक बातें पैदा होंगी, क्योंकि मानिए आप क्रिकेट का या वॉलीबॉल का या हॉकी का खेल करते हैं, खेलते हैं, उसमें इंडिया की हार या जीत होती है तो हम ये कहेंगे इंडिया हार गई। तो यदि किसी न किसी तरह से या कभी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि कभी हो सकता है कि इलेक्शन, कमिंग इलेक्शन में कहीं ना कहीं से जो इंडिया वाली पार्टी है, तो इनके सारे सारे चुनाव इंडिया जीत लेगी या भाजपा जीत लेगी, यदि कहीं कोई चुनाव भाजपा या इंडिया हारती है तो लोग कहेंगे इंडिया हार गई, या इंडिया कोई लॉस हो गया, या इंडिया ने गलत किया या सही किया। तो ये सारी जो बातें जो एथिकल या मॉरलिस्टिक उससे जुड़ी हुई हैं, इन बातों को अब एक विवाद का रूप दिया जाने लगा है, और मेरे ख्याल में एक न केवल फिलोसॉफिकल डिस्कशन का या लिंग्विस्टिक डिस्कशन का विषय है, ये संविधान का एक बड़ा प्रश्न बन गया, और इसको लेकर के नए सवाल उठाए जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ये आगामी जो चुनाव है, जो हमारा 24 का आगे का जो चुनाव है, उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बनने लगा है, और कुछ लोग कहने भी लगे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भारत हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया। अब ये इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट वाज इंडिया का जो मुद्दा है, ये एक मुख्य मुद्दा है। अब इसके साथ ये भी देखा जाना है कि हमारी जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, या जो हमारे जो कुछ भी अब तक की उपलब्धियां हैं, उनको हम उनका इवेल्यूशन किस तरह करें, उनके बारे में लेकिन हम क्या सोचें। जी अशोक भाई, महत्वपूर्ण तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये भी है कि जी हमारी जो संवैधानिक परिस्थितियां या आधार है, जो जी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जी उनके आधार पर ही सारी बात तय होनी है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली
किसी एक पार्टी या एक पक्ष की विचारधारा पे तो संविधान को तय नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मेरा इतना सही कहना, भारतीय संविधान में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि भारतवर्ष में सभी प्रकार की जातियां, सभी नस्ल, सभी भाषाएं, सभी प्रकार के क्षेत्र, सभी लोगों को राजनीतिक अपना जो है पार्टी बनाना या दल बनाना या धार्मिक आस्थाओं को विकसित करना है, उन पर काम करने का मौलिक अधिकार है सबको। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी एक वर्ग या किसी वर्ण या किसी जाति या किसी धर्म विशेष को ही विकसित होने का जो है अवसर मिल रहा है। भारत के संविधान ये स्पष्ट कहता है। किंतु जो केवल एक मुद्दा बना है वो केवल यही बना है कि क्या भारत को या क्या इंडिया को हम राजनीतिक रूप में शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बस केवल यही मुद्दा है। बाकी संविधान तो वही रहेगा, संविधान इसे बदलने वाला नहीं है। भारत नाम रखने से भारत, अशोक भाई, भारत रखने से मेरा कहना यह है कि भारत नाम रखने से या इंडिया नाम रखने से कोई संविधान थोड़ी बदल जाएगा। संविधान बदलने के लिए तो बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी। किंतु ये भी मुद्दा बनेगा, यदि बनता है तो भारत का भी यदि नाम रखा जाता है तो इसके लिए भी संवैधानिक परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा जी। नहीं, हमारी हमारा चिंतन भी इसी बात पर टिका है कि हमारी संवैधानिक स्थितियां बरकरार रहे। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के भी तुष्टिकरण के लिए उनका उपयोग ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। उसको हम अपने जीवन के लिए एक सार्वभौमिक सत्य मानकर चलते हैं। बिल्कुल, किसी भी प्रकार से हमारा ये नैतिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है, और एक नागरिक होने के नाते हमको ये देखना ही है कि हमारे जो प्रजातंत्र के जो जीवन मूल्य हैं, आस्थाएं हैं, जब तक जिस ढांचे से जिस तरह से हमने विकसित किया है उसमें कहीं किसी प्रकार से झोल नहीं आए, किसी प्रकार से उसमें कलंक किस्त नहीं लगे, कहीं के ऐसा नहीं लगे कि हमने कोई एक्चुअली ऐसी दिशा ले ली है जो जिसका संबंध हमारे संविधान से नहीं है। तो संविधान की सुरक्षा करते हुए हमें हर चीज पर सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, बहुत स्पष्ट है। तो धन्यवाद, सुनाई सभी। थैंक्स।